नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स एन एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स क्लास, एंड दिस इज चैप्टर 1. सो व्हाट आर डेरिवेटिव्स यू अंडरस्टैंड, व्हाट आर द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. और इसके अलावा कितने टाइप के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके बारे में समझेंगे. तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप इसको शेयर करें अपना कमेंट हमारे साथ. और अगर पसंद है वीडियो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनके साथ शेयर करें. तो अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं चैप्टर 1 से, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव. तो जो हमारा बेसिक ऑफ डेरिवेटिव है, दिस इज अबाउट लाइक वी टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स इज इन आर 10th बोर्ड ऑल्सो इन मैथमेटिक्स, बट दिस डेरिवेटिव इज लिटिल डिफरेंट देन दैट. डेरिवेटिव्स हियर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हुज डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट. सो द एसेट कैन बी इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, इंटरेस्ट रेट. इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, वोलेटिलिटी के ऊपर भी होते हैं. तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर अंडरलिंग एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है. तो एक तरह से समझे कि अगर आपने आलू के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, पटेटो लिया है और उस पटेटो की डिलीवरी आपको 1 महीने के बाद चाहिए, तो नॉर्मली आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. क्योंकि अगर आज चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, और अगर 1 महीने बाद चाहिए या 2 महीने बाद चाहिए तो आप किसी भी होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को 2 महीने बाद भिजवा देना. तो वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब होता ये है कि अगर बाज़ार में आलू की दाम बढ़ते हैं तो नए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो बढ़े हुए दामों पे बनते हैं, और जो पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं. तो इस चीज़ को हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे कि होता कैसे है एक्चुअल में. बट डेरिवेटिव्स बेसिकली आर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलिंग एसेट पे. तो अंडरलिंग एसेट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. अब गोल्ड, सिल्वर, चना दाल, तूर दाल, क्रूड ऑयल, तो ये सब कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर आते हैं. इसी तरह हमारे पास करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें कि आपको अंडरलिंग एसेट होता है डॉलर, जापानीज येन, यूरो, INR, तो ये सब हमारा होता है. फिर हमारे पास इक्विटी डेरिवेटिव होता है. तो इक्विटी डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट स्टॉक, शेयर्स, ठीक है. तो इसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होते हैं. इनफैक्ट वर्ल्ड में वेदर के ऊपर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वोलेटिलिटी के ऊपर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो जिसका भी प्राइस बढ़ता है या घटता है इस मार्केट में, उसके ऊपर आप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, इसका हम लोग हिस्ट्री समझते हैं. अगर हम बात करें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है. इनफैक्ट एवरीथिंग इज स्टार्टेड इन 12th सेंचुरी. सो दैट्स प्रिटी ओल्ड. अभी से हमारा लगभग 800 साल पहले. तो ये जो यूरोप में ट्रेडर्स थे, उन्होंने खासकर जब बाद में डिलीवरी चाहिए होती थी 2 महीने 4 महीने बाद, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने चालू किए कि भाई हमें 4 महीने बाद चाहिए, तो सिर्फ जवान की कीमत नहीं है, आप लिख के हमें दो और 2 महीने 4 महीने बाद आप हमें माल देना. तो एक तरह से आपस में प्रॉमिसेज होने लगे पेपर पे, और ट्रेडर्स इस बात का रिकॉर्ड रखने लग गए कि भाई हमें फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए, इस रेट पे चाहिए, और हमने आपस में तय किया है. इसके बाद 13th सेंचुरी में हमारे पास इंग्लिश हिस्टेरियंस आए. दीज वर मोनेस्ट्रीज, दे यूज टू सेल वूल एंड दे यूज टू गिव कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 20 ईयर्स. तो वुल वॉज अ वेरी प्रेसियस कमोडिटी इन 13th सेंचुरी, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी. तो हम तुरंत डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करें सिचुएशन में? तो जितने भी बायर होते हैं उनको हम मना भी नहीं कर सकते, तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं कि भाई तुम्हारी डिलीवरी डेट 2 महीने बाद होगी, तुम्हारी 1 महीने बाद होगी, तुम्हारी 10 साल के बाद होगी. तो इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते चले गए. फिर एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंस है हिस्ट्री में.
That happened in 1634 एंड 1637, तो 1634 से 1637 के बीच में हुआ, एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्यूलिप मेनिया. एंड द ट्यूलिप मेनिया इज़ लाइक इट्स वन ऑफ अ काइंड बबल एंड बस्ट. तो जैसे हमारा 2000 में, ईयर 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ, अभी हाउसिंग बबल हुआ 2007 एंड 8 में, उसी तरह ये पहला हिस्टोरिकली एक तरह से इवेंट था जो कि एक बबल बना और फिर बस्ट हुआ, एंड पीपल लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. सो दैट हैपेंड इन हॉलैंड, सो द डच रिपब्लिक एट दैट टाइम. दैट वॉज वर्ल्ड्स, यू कैन से, वन ऑफ द रिचेस्ट इकॉनमी, एंड दे हैड दी हाइएस्ट पर कैपिटा GDP इन दोज डेज. सो वॉट हैपन दैट देर इज़ अ फ्लावर दैट इज कॉल्ड ट्यूलिप. तो जो ट्यूलिप का जो बल्ब होता था, उसकी बाइंग सेलिंग होती थी, तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए, और फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिवरेज क्रिएट होने लग गया, और प्राइस बहुत ज़्यादा शूट हुए, और फिर अचानक से प्राइस नीचे टूट गए. तो जितनी तेजी से प्राइस बढ़े, उतनी ही तेजी से हमारे प्राइस नीचे टूट गए. तो दैट वॉज क्रिएटेड अ बबल एंड देर वॉज अ बस्ट. सो दैट इज एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन हॉलैंड, तो जो डच रिपब्लिक है. तो ये हिस्ट्री में एक अच्छा एग्जाम्पल आया. आज के भी डेट में अगर कभी बबल बन रहा होता है, तो जो एनालिस्ट होते हैं, दे रेफर इट लाइक भाई इट्स लाइक ये भाई ट्यूलिप मेनिया बन रहा है, एंड काइंड ऑफ इट मे बस्ट. तो इट्स अ ट्यूलिप मेनिया राइट नाउ. तो अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो सबसे बड़ा जो हमारा बबल बना और बस्ट हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट इटसेल्फ. दैट हैपन इन 1930s, तो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन. तो अगर आप उसके ऊपर ज़रूर सर्च करें और स्टडी करें, एंड ये भी हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही हुआ था. तो डेरिवेटिव जितना फ़ायदेमंद है रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, उतने डेरिवेटिव के साथ एक प्रॉब्लम भी है, उतना ही खतरनाक भी है ये. तो आप या तो इसको डिफेंस के लिए यूज़ करें या फिर ऑफेंस के लिए यूज़ करें, चॉइस आपकी है. बट इट्स एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट. तो 17th सेंचुरी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया. दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जापानीज. द सेम जापानीज राइस ट्रेडर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में आप पढ़ेंगे. तो इन्होंने 17th सेंचुरी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस किया राइस ट्रेडर के लिए, और इन्होंने ही कैंडल स्टिक पैटर्न भी डेवलप करी. इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में हम आते हैं. यहाँ पे हमारे पास 1848 में सी बोट है, दैट इज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये US में है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को. पर देखिए, कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट. हम समझेंगे क्या होता है ओवर द काउंटर. इस बेसिकली ये 1-to-1 बनाया जाता है. तो जब 1-to-1 बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा काउंटर पार्टी रिस्क होता है. नाउ व्हाट इज़ काउंटर पार्टी रिस्क? दैट इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क. कि चांसेस ये होते हैं कि जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करे, वो आपका एडवांस लेके मना कर दे, और या जो बायर है वही खरीदने वाले दिन टर्न अप ना हो, तो काफ़ी सारी परेशानी हो जाती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. एनीवेज, उसके बाद 1865 में सी बोट ने सबसे पहले कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट किया. नाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी हद तक जो है काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि डिफ़ॉल्ट रिस्क, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टी इसमें बाध्य हो जाती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए. सो इट्स अ ग्रेट मैकेनिज्म टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट रिस्क. इन 1990 शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, थोड़ा सा नाम फनी है इसको, आज का नाम जो है इसका CME है, दैट इज़ कॉल्ड शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये इंट्रोड्यूस हुआ, और इन्होंने भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह चालू करी. इसके बाद 1972 में CME ने करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया. तो जो यूरो डॉलर, यूरो USD है, या आपके पास JPY INR है, तो इस तरह की जो करेंसी पेयर्स हैं, इनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट CME ने चालू किया. तो करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है हेजिंग करने में, रिस्क मैनेजमेंट करने में. तो आगे की क्लासेस में हम समझेंगे कि कैसे हम
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं हेजिंग वगैरह के लिए, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू वरी राइट नाउ, वी आर जस्ट गोइंग विद द बेसिक्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हो सकता है अभी आपको सर से बाउंस आ जाएं, धीरे 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 चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हम इजी में डिस्कस करें। सो जस्ट स्टे विथ मी, जस्ट लिसन, अंडरस्टैंड वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, थिंग्स विल बी फार बेटर इन अपकमिंग क्लासेस। तो जो हिस्टोरिकली अगर हम बोले तो हाँ, CME ने काफ़ी पहले यानी कि 1972 में करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया था। इंडिया में बहुत लेट लॉन्च हुए हैं, मैं बताता हूँ कैसे हुए हैं। एंड 1973 में शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज है, दे इंट्रोड्यूस्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स सबसे पहले। नाउ ऑप्शंस आर लाइक कॉन्टिजेंट क्लेम्स, तो ये कंडीशनल होते हैं, इसको फुलफिल करना जरूरी नहीं होता, बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, आप सीखोगे। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि अगर आप डेरिवेटिव्स नहीं सीखते हैं ढंग से, तो आप मोटा मोटा पूरे स्टॉक मार्केट में आधी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को खो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको रिस्क मैनेज करने में हेल्प करती है, आपको यू कैन से कि गारंटेड प्रॉफिट दिलाती है कई सिचुएशंस में मिस प्राइसिंग के ऊपर। तो यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू डेरिवेटिव्स मार्केट एंड यू शुड लर्न इट। नाउ इन 1974-5 जो सी बोर्ड था, दे इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। नाउ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। सो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो वॉलेटाइल होता है हर क्वार्टर में। हमारे यहाँ भी इंडिया में RBI इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देती है, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में दे फॉलो लाइबोर रेट्स, दैट इज कॉल्ड लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट और यूरो यूरीबोर रेट। तो ये जो होता है हर रोज़ चेंज होता है, बिकॉज यू हैव डिफरेंट लाइबोर्स। सो यू हैव 1 month लाइबोर, यू हैव 3 months लाइबोर, काइंड ऑफ यू हैव 1 year लाइबोर रेट। तो हर लाइबोर रेट के ऊपर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपस में लोन लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं पैसे के लिए। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बैंक्स स्पेशली, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास यूरो डॉलर फ्यूचर्स चालू हुआ 1982 में, एंड देन हमारे पास जो शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज है, इन्होंने अगेन सबसे पहला इंडेक्स ऑप्शन चालू किया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडेक्स ऑप्शन, दैट इज स्टैंड दैट इज़ बेस्ड ऑन S&P 500 इंडेक्स। तो स्टैंडर्ड पुअर 500 इंडेक्स जो है, ये हमारा US का इंडेक्स है। जैसे US में दो बड़े इंडेक्स बहुत फेमस हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाउ जोन्स एंड इंडस्ट्रियल इंडेक्स, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस वेटेड एवरेज मेथड। हम समझेंगे कैसे इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है आगे। एंड द सेकेंड वन इज़ S&P 500, दैट इज़ अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। सो दे टेक द टॉप 500 कंपनीज ऑफ US एंड दे क्रिएट द इंडेक्स, इट्स अ वेरी स्टेबल इंडेक्स। सो इसका जो है इंट्रोडक्शन 1983 में CBOE ने किया। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट वी वेल अराउंड 20 ईयर्स बिहाइंड US। स्टिल वी आर नॉट 20 ईयर्स बट एटलीस्ट 10-12 ईयर्स बिहाइंड US। सो नो वरीज, वी विल सून कैच देम, आई एम वेरी होपफुल। सो इन लाइक 1996 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑफ 24 मेंबर्स एंड विच वॉज हेडेड बाय LC गुप्ता, एंड इनका काम था कि भी डेरिवेटिव मार्केट की पॉसिबिलिटी देखना इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो हम कैसे उसको इंट्रोड्यूस करें। तो इन 1998 इस कमिटी ने रेकमेंड किया कि डेरिवेटिव को आप सिक्योरिटीज़ के सेगमेंट में ही डाल दो, एंड ये जो हमारा SCRA है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसी को हम अमेंड करेंगे और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। सो दी सिक्योरिटी टर्म वॉज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द डेरिवेटिव मार्केट नाउ। सो इन 1999 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट SCRA, इसको अमेंड किया गया, और जो डेरिवेटिव है कॉन्ट्रैक्ट, इसको अंडर द डोमेन ऑफ सिक्योरिटीज़ ऐड कर दिया गया।
So what are securities? Let's say you have shares. Shares are understood as securities. You have bonds or debentures or treasury bills, treasury notes. These are all called securities. वैसे ही हमारा जो है बॉन्ड, इसको भी एज अ सिक्योरिटीज ऐड कर दिया गया इसमें. एंड इन मार्च 2000 गवर्नमेंट रिमूव्ड 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स ओल्ड रूलिंग वेयर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट अलाउड. एज पर द रूलिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट अलाउड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. सो दिस थिंग वॉज चेंज. तो जितने भी फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट थे, इसको आप सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं बना करके ट्रेडिंग के लिए भी आप क्रिएट कर सकते थे. यानी कि नॉर्मली एक पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी फार्मर से पोटैटो सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो दैट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो नॉर्मली ये सब अलाउड था, बट उसमें ट्रेड करना, यानी कि प्राइस जब ऊपर नीचे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके पास स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग वगैरह करना, इन सब को भी अलाउ कर दिया. उसके बाद सन 2001 में, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थी वो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी. तो 1995 से उन्होंने शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग चालू कर दी. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. अब बारी थी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की. तो अराउंड ईयर 2000 में सेबी ने इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एनएससी को और बीएससी को अप्रूवल दे दी, ठीक है. एंड सन 2000 में इसकी ट्रेडिंग हमारी चालू हुई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में. और इंडेक्स ऑप्शंस जो थे वो जून 2001 में चालू हुए, और जो स्टॉक ऑप्शंस थे वो जुलाई 2001 में चालू हो गए. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2001 मिड से हमारे यहाँ डेरिवेटिव मार्केट फुल फ्लेज अलाउ हो गया. एंड रिसेंटली MCX जो है, दैट इज़ अ कमोडिटी एक्सचेंज, दे हैव ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड वन मोर एक्सचेंज, दैट इज़ कॉल्ड MCX SX. सो दैट इज़ MCX SX इज़ बेसिकली MCX स्टॉक एक्सचेंज. सी अंडरस्टैंड, स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉर्मली प्राइवेट बॉडीज, दीज आर नॉट गवर्नमेंट बॉडीज. तो कोई भी अपना स्टॉक एक्सचेंज चालू कर सकता है. आप अगर रेगुलेटरी नॉर्म पूरा करते हैं सभी का, ठीक है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज चालू कर सकते हैं. तो इंडिया में दो बड़े नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इसके अलावा MCX कमोडिटी एक्सचेंज था, बट MCX ने बोला कि हम जो है स्टॉक मार्केट वाले सेगमेंट में भी वेंचर करेंगे. तो उन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज खोला, और स्टॉक एक्सचेंज खोलने के बाद 2013 में, तो यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, 201 लिखा हुआ है, 2013 में उन्होंने अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलाउ कर दिया ट्रेडिंग करना MCX स्टॉक एक्सचेंज में. बट ट्रस्ट मी, MCX स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं है, तो देयर इज अ लिक्विडिटी रिस्क. अगर आप खरीदेंगे तो सेलर नहीं मिलेंगे, बेचने जाएंगे तो बायर नहीं मिलेंगे. तो MCX स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू वर्क अ लॉट ऑन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑन देयर प्लेटफॉर्म. Now, so if we talk about derivative products, see, there are four types of derivative products. One is forward, which is traded over the counter. Another one is future, options and swap. Forward contract kya hota hai? Forward contract, sara hum detail mein padhenge. Main aapko ek chota sa introduction de raha hu. Forward contract kya hai? Let's suppose aapne bola ki mere ko aloo khareedne hai. Maine bola mere ko aloo bechne hai. Kab khareedne hai? Ek mahine ke baad khareedne hai. मैंने बोला ठीक है जी, क्या रेट तय किया? 10 रुपये किलो. ठीक है जी, तो हमने एग्रीमेंट किया 10 रुपये किलो पे, एक महीने बाद आप मेरे को आलू दोगे, मैं आलू खरीदूंगा. सो दिस इज कॉल्ड अ बायर सेलर एग्रीमेंट, और दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ चूंकि ये हमारे सामने हुआ है, आपस में हुआ है ओवर द काउंटर, सो दैट्स व्हाई इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर क्रिएटेड ओवर द काउंटर, फेस टू फेस, ठीक है. अब इसी का थोड़ा सा इन्हेंस वर्जन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. नाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से इन्हेंस करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी बनाने की? देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बोलते हैं कि भाई एक महीने बाद मैं नहीं बेचूंगा, तो मेरे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. अब उस दिन अगर आलू 15 रुपये किलो का बिक रहा होगा 30 दिन के बाद मान लेते हैं, तो मेरा 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा. मैंने तो सोचा था कि भाई फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे तो पहले से एक सेलर तय कर लो, ताकि फ्यूचर का बढ़ा हुआ रेट का मेरे को रिस्क नहीं रहेगा. तो आपसे मैंने एक महीने पहले 10 रुपये का कर लिया, बट अब जब महीना पूर्णने को आया तो आप पलट गए कि भाई मैं आलू नहीं दूंगा. तो ये जो होता है इसको हम डिफ़ॉल्ट रिस्क बोलते हैं या काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं.
तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है। अब इस चीज को रिमूव किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर ट्रेड नहीं होते, ये आपस में कस्टमाइज नहीं होते, हम आपस में नहीं बना सकते। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, और ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि ये रेडीमेड होते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन सारे सेट होते हैं, बस आपको जाके खरीदना होता है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता, क्यों? क्योंकि बायर और सेलर दोनों जो है कुछ सिक्योरिटी अमाउंट थर्ड पार्टी यानी कि एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करती है। तो इस सिचुएशन में क्या फ़ायदा होता है? इस सिचुएशन में फ़ायदा ये होता है कि चूंकि आपका एक्सचेंज के पास एडवांस पड़ा हुआ है, तो आप भागोगे नहीं छोड़ के बीच से, अगर भागोगे तो वो गया, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता, क्योंकि बायर सेलर दोनों ही जमा करते हैं। याद कीजिए, जब हम छोटे थे और आपस में शर्त लगाते थे, तो डर हमेशा रहता था कि शर्त का पैसा आप नहीं देंगे। तो क्या करते थे हम दोनों, अपना शर्त का पैसा अपने एक दोस्त के पास जमा करते थे, और फिर जो जीतता था उस दोस्त से थर्ड पार्टी से ले लेता था। तो इससे क्या फ़ायदा होता था कि दोनों में से कोई भी जो शर्त लगाने वाले दोस्त हैं वो डिफॉल्ट नहीं करते थे, क्योंकि दोनों का पहले से शर्त का अमाउंट तीसरे दोस्त के पास पड़ा हुआ है, और जो जीतेगा वो तीसरे दोस्त से ले लेगा। तो इससे थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करने से क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में डिफॉल्ट रिस्क अवॉइड हो गया। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, सिमिलरली एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ना ऑप्शंस के साथ क्या है, ना ऑप्शन गिव्स बायर द राइट टू बाय बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय। सबसे बढ़िया बात, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रहे हैं कि मैंने मुकरना चाहूँ तो मैं मुकर सकता हूँ, ना फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुकर नहीं सकते अपने वादों से, ऑप्शन में मुकर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है। अगर आप मुकरेंगे तो आपने जो प्रीमियम अमाउंट दिया है वो आपका रख लिया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसी तरह स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्वैप में नॉर्मली हम लोग अपनी लाइबिलिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं, तो लाइबिलिटी एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, एसेट्स लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि इम्पोर्टर है जो डॉलर रिसीव कर रहा है, और एक्सपोर्टर है जिसको डॉलर सॉरी एक इम्पोर्टर जिसको डॉलर पे करना है, और एक एक्सपोर्टर है जिसको डॉलर रिसीव करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तो बाहर से मेरे को डॉलर मिलेगा। अब पंगा क्या है कि जब हम बैंक से करेंसी कन्वर्ट करवाएंगे तो कन्वर्जन चार्ज ले लेगी बैंक। तो हम बेटर क्या करते हैं कि मैं जो हूँ एज एक्सपोर्टर डॉलर रिसीव करूँगा तो मैं इम्पोर्टर को डॉलर दे दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि कन्वर्जन चार्ज दोनों में से एक आदमी का बच जाएगा, थोड़ी सी बेनिफिट हो जाएगी। दूसरी बात, इसी में स्वैप में इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब आप लोन लेने जाते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड रेट पे लोन मिलता है आपको, दूसरा आपको फ्लोटिंग रेट पे लोन मिलता है। तो कई बार क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का स्वैप क्रिएट हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल से समझेंगे। सी दीज आर लिटिल टेक्निकल टर्म, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि स्वैप क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर या फॉरवर्ड क्या होता है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। अब कौन कौन लोग इस मार्केट में हैं, डेरिवेटिव मार्केट में? देखिए, हेजर्स हैं। हेजर्स कौन होते हैं? रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो आते हैं, जैसे बैंक्स, उनको फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क होता है, डॉलर का रेट ऊपर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये लोग इस मार्केट में आते हैं। गोल्ड स्मिथ, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर्स, ये सारे आते हैं कमोडिटी में हेज करने के लिए। इसी तरह शेयर ट्रेडिंग करने वाले लोग जिनके पास शेयर्स हैं, उनको प्राइस वोलेटिलिटी के रिस्क से बचना होता है। तो जितने भी लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए आते हैं उनको हम हेजर्स बोलते हैं, ठीक है, ये लोग हैं। उसके बाद कौन है? स्पेकुलेटर, या फिर हम ट्रेडर कहते हैं, जो कि प्राइस गेन से प्रॉफिट कमाते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमाएंगे, प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट कमाएंगे, शॉर्ट सेल करके। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही अलाउड होता है हमारे डेरिवेटिव मार्केट में। तो ट्रेडर लोग होते हैं, बट ट्रेडर को नुकसान भी होता है नफा के साथ साथ, एंड इट्स लिवरेज्ड मार्केट, बहुत ज़्यादा लिवरेज है। तो इसके कारण नुकसान आपका ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट के साथ साथ। नाउ लिवरेज क्या होती है, अब मैंने एक टर्म यूज़ किया, सी इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी आपको समझाता हूँ। लिवरेज इज़ लाइक टेकिंग क्रेडिट। देखिए, अगर कोई चीज़ 1,000 रुपये की है और आज आपको सिर्फ 100 रुपये एडवांस दे करके मिल रही है, तो आपको 10 टाइम्स लिवरेज मिल रहा है, यानी कि 10 टाइम्स क्रेडिट मिल रहा है। यानी कि 100 रुपये लगा के जब आप 1,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो आप 10 टाइम्स का लिवरेज ले रहे हैं, यानी कि क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्रेडिट लेने से क्या होता है, आपका मुनाफा भी उतना ही होता है। सोचो कि मैंने 100 रुपये पे माल लिया, 1,000 का माल मिला, वो 1,000 रुपये का माल मैंने मार्केट में बेच दिया, कितने का? 1,100 का। तो मेरे को कितने का फ़ायदा आया? 1,000 रुपये पे 100 रुपये का फ़ायदा आया, ठीक है। तो एक तरह से आप बोलोगे तो 10% का प्रॉफिट है, नहीं, एक्चुअल में ये आपका 100% का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपने लगाए तो 100 रुपये थे, 100 रुपये लगाया, 1,000 रुपये का माल मिल गया लाला से, उसको मंडी में जाके बेच दिया, 100 रुपये का मुनाफा आ गया 1,000 रुपये पे। तो 1,000 रुपये पे 100 रुपये आया, बट लगाया आपने कितना था?
100 ही रुपये देते ना लाला को, तो एक तरह से 100 का अगले दिन आप 200 करके वापस आओगे, तो दिस इज 10 टाइम्स लीवरेज। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि 100 के बदले में 1,000 मिला, तो हायर लीवरेज क्या कर रहा है आपका? हायर रिटर्न दे रहा है। लेकिन आप सोचो कि अगर वो 1,000 रुपये का माल जो आपने लाला से लिया था 100 रुपये दे के, मार्केट में 900 का बिकता है, तो पूरा 100 रुपये का नुकसान है। यानी कि पूरा का पूरा 100 रुपये जो आपकी लाला के पास डिपॉजिट किया था वो ख़त्म हो जाएगा। लाला को आपको 900 रुपये कमाई के वापस देने पड़ेंगे और 100 रुपये आपको मिलेगा नहीं वापस। तो ये लीवरेज का नुकसान है, समझेंगे और डिटेल में, डोंट वरी। ठीक है, बट इफ़ यू पे अटेंशन, लिसन टू मी केयरफुली, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर हमारे पास कौन है तीसरा बंदा? थर्ड इज कॉल्ड आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर कौन है? जो मिस प्राइसिंग से फ़ायदा उठाता है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आर्बिट्राज का। लेट्स सो दिल्ली में दो कमोडिटी मंडी है, एक आज़ादपुर मंडी है, एक फरीदाबाद मंडी है। और आज़ादपुर मंडी में आलू 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, फरीदाबाद मंडी में 15 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आज़ादपुर से 10 रुपये में खरीदेंगे और फरीदाबाद में 15 रुपये का बेच देंगे, सिंपल। तो ये दोनों मार्केट में मिस प्राइसिंग थे, तो आपने सस्ता खरीदा, महंगे मार्केट में बेच दिया, तो 5 रुपये का फ़ायदा मिल गया आपको। इसी तरह क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के प्राइस में डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग कैश इन कैरी आर्बिट्राज बोलते हैं, या एक्सचेंज के भी, सॉरी, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज। तो एक एक्सचेंज में हमारा सस्ता मिल रहा है स्टॉक, दूसरे एक्सचेंज में महंगा मिल रहा है, तो हम एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देते हैं। तो ये पोजीशन हम बनाते हैं, कैसे एग्जैक्टली करते हैं हम समझेंगे, बट सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं और हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये कौन करता है? आर्बिट्राजर करता है। नाउ एज आई टोल्ड यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। एक तो है हमारे पास क्या, ओवर द काउंटर, जब हम आमने सामने बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट्स एन ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट स्वैप जो है वो भी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज पे नहीं बनता। उसके बाद होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, या एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो है हमारा, इसमें नॉर्मली फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट, वी हैव इंडेक्स फ्यूचर, वी हैव स्टॉक फ्यूचर्स, वी हैव कमोडिटी फ्यूचर्स, ठीक है, वी हैव करेंसी फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो ये जो भी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कहते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव? एज आई टोल्ड यू, इट हेल्प्स यू इन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि आपका लॉस मिनिमाइज करता है, लॉस को लिमिट करता है, प्राइस डिस्कवरी में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी गोल्ड के ट्रेडर्स हैं, जितने भी कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं, वो एक्सचेंज पे, MCX पे रेट जरूर देखते हैं टू सी दी यू नो प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर हैं। तो जब बायर एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो मिस प्राइसिंग होने के चांसेस कम होते हैं, बट कई केसेस में हो सकते हैं अगर मार्केट में करेक्टिव है तो। बट अगर हम फेयरली देखें तो हाँ, इट्स ए गुड मैकेनिज्म फॉर प्राइस डिस्कवरी, यानी कि सही रेट आपको मिलता है। देखिए, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप दर दर भटकते हैं, 10 घर देखते हैं अलग अलग, हर प्रॉपर्टी डीलर अलग अलग देखता है रेट। बट एक्सचेंज पे क्या होता है, बायर और सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो लाखों बायर एक साथ हैं, लाखों सेलर एक साथ हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो जो बेस्ट रेट है उस रेट पे ट्रेड होता है। तो जो सबसे महंगा खरीदता है और जो सबसे सस्ता बेचता है, ठीक है, वो दोनों का सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सबसे लाखों लोग बिड कर रहे हैं, तो जो सबसे सस्ता बेचेगा उसको पहले चांस मिलेगा बेचने का, और जो सबसे महंगा खरीदेगा उसको पहले चांस मिलेगा। तो इससे प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी होती है। और अगर हम बात करें तो हाँ, डेरिवेटिव में चूंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस में होता है, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क वगैरह भी काफ़ी कम है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। और कई बार अगर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में प्राइस डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। नाउ, जैसे बेनिफिट है वैसे ही कुछ रिस्क भी है डेरिवेटिव्स में। ऐसा नहीं कि सब बढ़िया बढ़िया है। एक तो मैंने बोला ये लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा काउंटर पार्टी रिस्क है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर में नहीं है बट फॉरवर्ड में और स्वैप में हो सकता है। प्राइस रिस्क है, प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा नुकसान भी होगा। लिक्विडिटी रिस्क है, स्पेशली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बेचने जाओ, दूसरों को बायर नहीं मिलेगा, सेलर नहीं मिलेगा,
लिक्विडिटी रिस्क फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उतना नहीं है, बट स्वैप में और फॉरवर्ड में पूरा है, क्योंकि ओवर दी काउंटर है, हम आमने सामने बना रहे हैं। मान लो आप आलू के सेलर है, मैं बायर हूँ, दूसरा कोई सेलर है नहीं मार्केट में, तब क्या करेंगे? और आप मुकर गए, तो ये प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी रिस्क की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि पार्ट है डेरिवेटिव का। इसी तरह ऑपरेशनल रिस्क भी है, फ्रॉड का चांस है, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट सही से नहीं लिखे गए, एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रही, माल सही से नहीं पहुंचाया जा रहा, तो काफ़ी सारे इसमें रिस्क होता है। अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जब आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वो आपको एक मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट पे होता है ऐसे, या ईमेल भी करते हैं स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट टाइम बार बार नहीं करते। उसमें लिखा रहता है कि किस तरह के रिस्क हैं, क्या सिचुएशन है मार्केट में, क्या लिक्विडिटी है किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, इसके अलावा कौन से कॉन्ट्रैक्ट का कितना इनिशियल मार्जिन है, कितना वार रिस्क है, वीएआर वैल्यूएट रिस्क रिस्क है, सब पढ़ेंगे आप। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिस्क के बारे में उस कॉन्ट्रैक्ट के, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर ट्रेडर नहीं फॉलो करते हैं इसको, अदरवाइज़ मैं ये जरूर बोलूँ कि एक बार ज़रूर लाइफ में उसको देखिए क्या होता है एग्जैक्टली, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला चैप्टर बहुत आराम से ख़त्म कर लिया, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है डेरिवेटिव में, टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेने का, इसी तरह से धीरे धीरे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी परेशानी ऑप्शंस में हो सकती है, तो हो सकता है आपको वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना पड़े, बट मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट टीचर फॉर ऑप्शंस, एंड इफ यू गो थ्रू माई वीडियोज विल ईजली, वेरी इजली क्रैक ऑप्शंस, एंड यू मे बिकम एक्सपर्ट इन टू ऑप्शंस। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन ऑल द बेस्ट।